नमस्कार, मिथिला मशहूर में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में डिप्टी मेयर पर जानलेवा हमला निश्चित तौर पर बड़ी खबर तो है ही, लेकिन इस बड़ी खबर के पीछे जो कहानी है वो भी समझिए। क्या दरभंगा की पुलिस ये नहीं जानती कि दरभंगा में नशेड़ी और गंजेड़ियों का आतंक किस तरह दरभंगा के उर्दू बाजार से लेकर के दरभंगा के कई चौक चौराहों मोहल्लों में गलियों में है? क्या सिर्फ दरभंगा के डिप्टी मेयर पर जो जानलेवा हमला हुआ है ये क्या पूर्व नियोजित थी या अचानक कचरा फेंकने गई डिप्टी मेयर पर हत्या का प्रयास किया गया? कौन नहीं जानता कि दरभंगा में आजकल नशेड़ी और गंजेड़ी जब चाहे डैगर निकालकर निकल जाते हैं। कौन नहीं जानता कि दरभंगा में एक टेलीफोन कॉल पर ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी की जो टीम होती है वो 15 से 20 की संख्या में पहुंच जाते हैं। घर से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। क्या महागठबंधन की सरकार में एक बार फिर से जंगल राज आ गया है? हम महागठबंधन की सरकार में इस जानलेवा हमला पर इसलिए कहना चाहते हैं कि डिप्टी मेयर महागठबंधन के एक घटक दल कांग्रेस से संबंध रखती है और कांग्रेस पार्टी के नेता पर इस तरह की हमला और हत्या करने का प्रयास, अगर वो चिल्लाती नहीं तो उसके गले में दुपट्टा बांधकर जिस तरह घसीटा गया उसकी जान चली जा सकती थी। बताइए, नव निर्वाचित एक गरीब महिला जो डिप्टी मेयर बनी है उस पर इस तरह जानलेवा हमला कहां से जायज है? और अभी तक पुलिस खामोश है और यह कहा जा रहा है कि यह नशेड़ी और गंजेड़ी की करतूत है। तो क्या दरभंगा के और चौक चौराहे गलियों मोहल्लों में नशेड़ी गंजेड़ी के आतंक से कौन बचाएगा? क्या महागठबंधन की सरकार में इस तरह दरभंगा के पुलिस बेलगाम हो गई है? क्या दरभंगा पुलिस के काबू में इस तरह लोग नहीं है? लहरिया शहर थाना का यह मामला कितना गंभीर है आप समझ सकते हैं। मैं कल रात में ऐसे पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती हूँ, लेकिन कल मैं सवेरे आ गई थी। तो मैं कपड़े पे चेंज करके मुँह हाथ धो करके जाने लगी थोड़ा सा बाक्स वाक्स, तो मैं उनकी नज़र पड़ गई कचरे वाले में। तो मैं वो डस्टबिन उठा करके बाहर निकल करके चली गई। मैंने दो बच्चों को देखा ले रहे, यानी सुनने का लाश धुआं, मैं आगे बढ़ गई। मैंने उसको न पीछे से देखा न पलट, यानी मुझे कहा वो दो बच्चे खड़े हुए हैं, बस मैं आगे बढ़ गई और देख करके जैसे पलटी मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पकड़, यानी कि एक फंदे टाइप से मुझे डाल दिया और मेरे हाथों को ऐसे करके पीछे टच करने के लिए मेरा एक हाथ छुटा, लेकिन ये तीनों उंगलियों का एहसास स्पॉट, ये कड़ा जो आजकल के सब बच्चे सब करते हैं वो तीनों उंगलियों का एहसास करे के हुआ। मैं वहीं पर गिर गई, लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रेंगते रेंगते मैं रोक के आई तो वो निकल गए बच्चे, नहीं थे कि आप ये ताकत लगा रही हैं तो वो बच्चे चले गए। मेरे कान में थप थप, यानी तीन चार चप्पल का कचरे पे जो चल रहे हैं साथ लगे, दौड़ते हुए अपने घर में आ, यानी घर के गेट जा। उसके बाद से आधा घंटा तक या एक घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन, फिर भी एक घंटे का डेढ़ घंटे में वक्त लगा समझने में क्योंकि घबराहट तो ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं एक घंटे बाद रिलैक्स हो गई, वही मजबूती के साथ आपके सामने फिर से आज इंशाल्लाह आगे। क्या लगता है मकसद क्या था? मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, अंदर में जाकर कंप्लेन कर देगी, फोन कर देगी, हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिनों बच्चों को समझाती रहती हूँ, कल भी आज भी आने वाले दिनों में, क्योंकि आप समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं, बच्चे उनको लगा कि अब फिर समझाएगी या अभी पावर हो गया है तो कुछ शायद ये सोच करके हो सकता है। मैं आपको बता सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे एक एहसास दिलाने की डर जाओ सिमट जाओ, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं डरी नहीं हूँ, बहुत मजबूती के साथ कल भी आने वाले दिन। माना जाए कि ये हत्या की नीयत से भी ये प्रयास माना जा सकता है? नहीं 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 नहीं, हत्या तो नहीं, अगर हत्या होता तो सीधे डैमेज होता, क्या होता बहुत कुछ ऑप्शन है, आप लोग तो कुछ मीडिया करनी है आप लोगों को तो मालूम, हत्या तो सीधे एक बार में हो जाता है, तो ऐसे हुआ। मैं इसको मानती हूँ डराना। घटना की सूचना पुलिस को दी आपने? नहीं नहीं, मेरे चाचू थे सादंकर, उन्होंने थाना को
इस घटना से ये लगा, एक मिनट एक मिनट पूरी बात तो मेरी होने दीजिए। तो मैंने उनको बस उसी वक्त मैंने अपना बयान दिया थाना आईएमए के साथ। मैंने कहा कि यहाँ पर नशा गोली का आज से जमाने से है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा मदद करें इस सिचुएशन में। आप पूरा आप लोग का मदद चाहिए मुझे। मैंने खुद उठ करके मैंने उन लोग को बयान दिया, आज से जमाने से इस एरिया में बहुत सारे पीछे में पूरे नशा का बहुत अड्डा है, मेरे खुद कैंपस में नशा का अड्डा है। थोड़ा इस चीज़ को आप लोग हैंडल करें। ये बताइए कि जब डिप्टी मेयर असुरक्षित है, बाकी लड़कियों का क्या होगा? यही तो मैं आप लोग के चैनल से, हर मीडिया कर्मी से, और दरभंगा के जितने भी बड़े छोटे जितने भी मेरे समाज के सवाल मेरे लिए घबरा रहे हैं, मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये हर गली चौराहे पर ऐसी रोज हमारी नाजिया, ऐसी 10 या 20 नाजिया, या गुंचा या गुंजन या सीता या गीता या मेरी ऐसी रोज मेरी बेटियों के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे आज नाजिया हसन के लिए आप पूरी आवाम है, ऐसे सब साथ में खड़े, ऐसे बहुत सारी मेरी बेटियों के साथ कुछ क्या घटी है। वो अपने घर घर ही आ रही थी, घर आने के बाद जो अपने घर में गई, देखी कचरा का डब्बा पड़ा हुआ है, तो वो कचरा फेंकने के बाहर निकली तो कई बार दो तीन जगह जो है उसको अल्टीमेटम लोग ये थे कि बहुत उड़ती इस तरह का बात, वो मजाकिया ले लेते थे कि दूध कोई खड़ा होगा। लेकिन आज की घटना ये है कि घर जब निकली है, दो लड़का बाजू में खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा था, उस समय कोई नशीरी वगैरह होगा, वो जब कचरा फेंक के जब अंदर आए तो पीछे से गमछा पकड़ करके इस तरह से जो है, इस तरह से एक लड़का ने गमछा को इस तरह से दबाया और एक लड़का ने पीछे से हाथ को इस तरह बांधने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्य घटना है ये, और ये इसको कभी भी इसको मतलब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है इस तरह का। और प्रशासन है, अभी प्रशासन से वो खबर क्या जी, प्रशासन बड़ा उसे बात हुई थी, बड़ा उन्हें हमको आश्वासन दिया है कि हर पहलू पर जांच की जाएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरह का आश्वासन हमें प्रशासन से मिली है। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अभी आप लोग गुंडुमा में आए हुए हैं डिप्टी मेयर के घर पे, क्या हादसा हुआ क्या? मैं अभी आए तो पता चला कि माननीय उप महापौर महोदया को वो घर से निकली किसी काम के लिए, तो कोई 2-3 लड़के उनका गला दबाने का प्रयास किया, तो काफ़ी दुखद है ये, इस तरह की बातें नहीं होनी चुकी। अगर किसी को चुनावी रंजिश हो, एक समय के लिए होना चाहिए, चुनाव ख़त्म, सारी मसला और सारी सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। अब वो लगातार उनका कहना भी है, 2-3 जगह वो हमारे साथ जो है गलत भी है, कान में भी लगा, 2-3 प्रोग्राम में बोल रहा था कुछ, अल्टीमेटम लगातार कुछ कुछ बोल रहा था, गलत कमेंट टाइप का, ये सब चीज़ से बहुत काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी अफसोस है कि नई नई चुन के आई, हमसे उम्मीद है शहर को इस तरह की घटना नहीं होने रहती। लेकिन अभी तक तीनों को बॉडीगार्ड, मेयर को, डिप्टी मेयर को बॉडीगार्ड नहीं मिला है। हाँ, वो तो नगर निगम भेजेंगे और हम लोग कोशिश रहेगी कोई बॉडीगार्ड इशू हो बताए परिचय दे दीजिए। नफिस, मैं इस बात में कहना ये चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी जिस तरह दारू नशा मुक्त बिहार बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ अभी दिखावा हो रहा है। दारू के नाम पर दारू तो बंद हो गया, दिखता कहीं नहीं, मिलता हर जगह है। उसी तरह जो कम पूंजी वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, दारू की कीमत जिस तरह बढ़ गई है, उस अंदाज से समझ रहे हैं कि लोग टैबलेट मेडिकल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, वाइटनर का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, कोरेक्स का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो इस हालात में बिहार का जो युवक है, नया जनरेशन जो है वो बर्बाद हो रहा है, उसके कारण उस परिवार को, बच्चे को पैसा नहीं मिलता होगा, इस कारण ऐसे से आदमी को वो धाक लगा के बैठा रहता है। जो जिस तरह आज दरभंगा नगर निगम के उप मेयर नाजिया हसन को पर जो रात हमला हुआ, रात के 10:30 के करीब, ये निंदनीय है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस की कड़ी निंदा करते हुए मैं जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूं कि जो हालात है नशरियों का, टैबलेट मैन का, जहां जहां पर हर एरिया में, दरभंगा के लड़ियासरा थाना पुलिस कहां कहां गश्त लगाती है, और क्या गश्ती के दौरान उसे पता नहीं लगता कि किस गली मोहल्ले में नशेड़ी और गजेड़ी का आतंक है, या उन लोगों पर हाथ डालना नहीं चाहती, या उन लोगों को बचाने वाले बड़े बड़े माफिया आज सवाल का जवाब देंगे कि डिप्टी मेयर पर जो हमला हुआ है उसका जवाब दे वो खुद है।
क्योंकि इसे नशेड़ी गजेड़ी और आतंकियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। ये आतंक के वो राजा हैं जो दरभंगा में नशा का एक पूरी तरह साम्राज्य चला रहे हैं, और ये नशा करने वाले ही किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, और पुलिस खामोश है। पुलिस ऐसे नशेड़े गंजेड़ियों पर कभी भी हाथ नहीं डालती, लेकिन जमीनी विवाद अगर कहीं हो जाए तो वहां पुलिस सबसे पहले अपने फोर्स भेज देती है। 112 नंबर पूरी तरह तैयार है, फिर भी नशेड़ियों गंजेड़ियों का आतंक है। इस तरह महागठबंधन की सरकार रामचरितमानस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा इस पर तो है, लेकिन इस तरह गंभीर मुद्दे पर महागठबंधन की सरकार को खामोश नहीं होना चाहिए, उनकी पुलिस को खामोश नहीं होना चाहिए। और इस तरह जो नशेड़ी और गंजेड़ी दरभंगा शहर में आतंक मचा रहे हैं, दरभंगा जिले के विभिन्न गांव में पंचायतों में आतंक मचा रहे हैं, ऐसे पर कार्रवाई होना आवश्यक है, वरना एक बार फिर महागठबंधन सरकार को लोग जंगल राज की संज्ञा देंगे। देखिए किस तरह जब डिप्टी मेयर पर जानलेवा हमला हुआ उसके बाद की कहानी हम आपको दिखाते हैं, जब देखिए और इसके पीछे के तर्क को समझिए कि नशेड़ी और गंजेड़ी के आतंक से क्या अब सभ्य परिवार के महिला में अब घर से बाहर नहीं निकलेंगी, सब लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए रिपोर्ट।